Will you marry me? Hello everyone, how are you all? Here is Topi Man. अभी तक इनका लेमन वाटर खत्म नहीं हुआ है. एटलीस्ट मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं दिए हुए. और आज इन साहब के ब्रेकफास्ट में है 2 स्क्रैम्बल एग्स एंड 1 परांठा. ये है वो जग पानी का लेमन वाटर जिसमें बना के देती हूँ मैं इनको. 2 ग्लासेस इसमें आ जाते हैं जिसको पीने में ये 15 मिनट लगा देते हैं. लेमन वाटर पीते पीते और खाना खाते खाते हमेशा हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं. Everyone, how are you all? Welcome back to our channel, Shape Up Your Life. And here is she. And here I am. And here is the food. And here's the coffee. And here's me again. आज जैस्मिन के फूड में है बेसन का चीला प्लस 1 एग प्लस कॉफी एंड आई एम टेकिंग इंस्टेंट दलिया विद ऑलमंड्स एंड वॉलनट्स एंड 1 एग. चलिए नाश्ता करते करते कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम से आपके साथ बात भी नहीं हुई है फेस टू फेस. तो आज सुबह डायरेक्टली ही मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे अपनी वीडियो शूट करनी है, एक्सरसाइज की वीडियो शूट करनी है. तो अगर मैं सुबह ही अपना वर्कआउट शूट करना शुरू कर देती हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट फिर बहुत लेट हो जाता है, 12 बज जाता है ब्रेकफास्ट करते, जो कि ठीक नहीं होता है. तो फिर आज मैंने डिसाइड किया कि अपना जो वर्कआउट है वो मैं इवनिंग टाइम पर करूँगी, साथ में उसका शूट भी हो जाएगा. तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी. अकॉर्डिंग टू UCR मैप, अ क्लियर क्लाउडलेस डेटाइम स्काई इज ब्लू बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन मोर देन दे स्कैटर रेड लाइट. ओके गूगल, आई एम हियर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेक मी लाफ. व्हाई आर आर्कियोलॉजिस्ट्स सो अनॉयड? दे ऑलवेज हैव अ बोन टू पिक. That was very nice. My apologies. I don't understand. Oh my god. Google, I love you. Aw, thanks. Anything I can help you with? Will you marry me? I'm not sure marriage is the right step for our relationship, but I'd love to be your assistant forever. और ये है मेरा आज का खाना, ब्लैक चना है जिसमें मैंने देसी घी का एक स्पून डाला है, साथ में थोड़े से राइस ले रही हूँ मैं और साथ में सैलड है. जैस्मिन को भी भूख नहीं है, हम दोनों ही हैं घर पे, सिर्फ हस्बैंड मेरे चले गए हैं पहले ही ऑफिस क्योंकि उनको कोई काम था, उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, तो वो कहते लंच में बाहर कर लूँगा. और उदय अभी आया नहीं है, सो मैं अकेली हूँ तो मैंने सोचा मैं आज धूप में बैठ के खाना खाऊँगी, साथ में खाना खाऊँगी और धूप से विटामिन डी भी मुझे मिलता रहेगा. ट्यूसडे के वर्कआउट के बाद वेडनेसडे को मैं पार्क जाके स्प्रिंट्स लगाती हूँ. स्प्रिंट्स लगाने के लिए ये जगह बहुत कम है लेकिन वीडियो बनाने के लिए आज मैं घर पे ही स्प्रिंट्स लगा रही हूँ. सबसे पहले मैं 15 मिनट वॉक करती हूँ ताकि वार्म अप हो जाए. उसके बाद एक एरिया मेरा वहाँ पर फिक्स रहता है जितनी जगह में मैंने स्प्रिंट्स लगाने होते हैं. स्प्रिंट्स में रूल ये है कि 30 सेकेंड आपको फास्ट रन करना है और 1 मिनट नॉर्मल वॉक, फिर 30 सेकेंड का फास्ट रन और 1 मिनट नॉर्मल वॉक. इस तरह के मैं 10 सेट लगाती हूँ. स्प्रिंट्स लगाने से आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है और ब्रेक लेने से आपका हार्ट रेट नीचे आता है. हार्ट रेट का ऊपर नीचे जाना फास्ट फैट लॉस करता है. एक्चुअली इट्स लाइक अ टाइप ऑफ श्रेडेड वर्कआउट. अगर आप फैट श्रेड करना चाहते हैं तो ये बेस्ट वर्कआउट है, बट डोंट स्प्रिंट एवरी डे. इसे वीक में 1 या 2 बार ही करना चाहिए. अगर आपके नीज वीक हैं देन प्लीज डोंट डू इट, बट इफ यू हैव स्ट्रांग नीज देन कम ऑन, चैलेंज योर सेल्फ.
से मिलिए। ये हैं आज की वीडियो के कैमरामैन जो कि शूट करने के लिए बहुत सारा नखरा दिखा रहा है। आर्टिस्ट इज रेडी बट शी इज बिजी इन रीडिंग बुक। सोशल मीडिया पे ना मेरे को बदनाम करो। मैं हमेशा सच बोलती हूँ बेटा, फिर चाहे कोई बदनाम हो या कोई आबाद हो। तो जब मैं रेडी थी मैंने आपको कितनी बार बोला ना कि मम्मा प्लीज आ जाओ हम शूट कर लेते हैं, अब तो आप नखरे दिखा रहे थे अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं वो ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो फिर अब मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मैं छोड़ दूंगी तो फिर मेरा फ्लो खराब हो जाएगा, सिर्फ लास्ट पेज रह गया इसका। विच बुक इज दिस? दिस इज बिफोर आई फॉल बाय लॉरेन ओलिवर। तो ये बाद में तो रीड कर सकते हो ना, मेरा फ्लो खराब हो जाएगा ना, पहले आना चाहिए था। Then you can continue with your nakras and I will cut money from your salary. Okay, bye. Artist ko wait karwane ka kuch to inaam aapko milna chahiye na. Bye. Bye. Thursday hai mera legs workout, to sabse pehle warm up ke liye main kar rahi hu 250 skippings and 15 repetitions of hanging abs exercise. लेग्स वर्कआउट में फर्स्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ जंप स्क्वाट्स। स्क्वाट्स मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, आप इसको डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। जंप स्क्वाट्स आपके काव्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग को टोन करने में हेल्प करता है। इसके मैं 4 सेट लगाऊंगी, पहले सेट में 25 रेपिटेशंस, दूसरे में 20, देन 15 एंड 10 रेपिटेशंस। सेकेंड एक्सरसाइज है वॉल सिट। इसमें पैरों और दीवार के बीच में इतना डिस्टेंस रखना ज़रूरी होता है। वॉल की सपोर्ट के साथ इस तरह से बैठ जाना है कि जिस तरह आप चेयर पर बैठे हैं। आपकी लेग्स का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए और आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। और बिगनर्स इस पोजीशन को 30 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हैं, उसके बाद स्लोली स्लोली टाइम बढ़ा सकते हैं। 30 सेकेंड का ब्रेक लेते हुए इसके भी मैं 4 सेट लगाऊंगी। लेग्स के मसल को टोन करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए गुड एक्सरसाइज। डेडलिफ्ट के लिए मैंने यहाँ पे वेट लगा लिया है 12 kg। बिगनर्स 5 to 6 kg से शुरू कर सकते हैं। वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, हल्का सा भी कर्व आपको बैक पेन दे सकता है। आई होप इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपकी लेग्स का धुआं निकल जाएगा। 4 सेट्स लगा रही हूँ इस एक्सरसाइज के भी। फर्स्ट सेट लगाऊंगी 15 रेपिटेशन, सेकेंड 12 रेपिटेशन, थर्ड 10 एंड फोर्थ 8 रेपिटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रही हूँ डंबल स्क्वाट्स। 4 सेट लगाऊंगी इस एक्सरसाइज के भी विद 15 रेपिटेशंस ईच, 30 सेकंड के इंटरवल के साथ। याद रखें कि हर एक्सरसाइज के 4 सेट लगाने के बाद आपको 1 या 2 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। एक्सरसाइज है लंजेस विद डंबल। इसके भी 4 सेट्स लगाऊंगी 10-10 विद ईच लेग। आपका फ्रंट फुट आपके नी से आगे नहीं जाना चाहिए, इस चीज का खास ख्याल रखें। लास्ट एक्सरसाइज है स्टेप अप। स्टेप अप लगा रही हूँ डंबल्स के साथ। वेट के साथ एक्सरसाइज करने से मसल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। इसके लगाऊंगी 3 सेट्स 10-10 विद ईच लेग। जिम में तो हमें हर तरह के इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर जिम ना जाके घर पे ही एक्सरसाइज करना चाहें तो डंबल्स बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट हैं जो फिटनेस लवर्स को बाय कर ही लेने चाहिए।
इट्स टाइम टू कूल डाउन. एक्सरसाइज की तरह ही वार्म अप और कूल डाउन भी इंपॉर्टेंट होते हैं. फिटनेस लवर्स को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.